और फड़काई दो तुसी कि मैं बड़े पैसे देगा ओ गदनाल चाहिए सानू ते फड़काई दो हम करी दो थोड़े मां प्यो ने तड़प के असल लाई दिया चीजें बता दी कि किस तरह से जब हमारे समाज में या हमारे घर से कोई बच्चा अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो क्या सिम्टम्स किस तरह के बदलाव आपको उस बच्चे में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें। आजकल जैसे इन्होंने बताया कि बच्चे माँ बाप भी और बच्चे आजकल फोन में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, फोन पे ध्यान देते हैं, बच्चों को ट्यूशन रख देंगे लेकिन खुद उन पर ध्यान कम दे रहे हैं। तो ये माँ बाप की बहुत मैं कहूँगी कि जिम्मेदारी बनती है और एक कमी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल पे डिपेंड कर रहे हैं, ट्यूशन्स पे डिपेंड कर रहे हैं लेकिन खुद उनका ध्यान में जो है वो कमी दे रहे हैं। तो माँ बाप की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसके बाद स्कूल में आपका और फड़काई दो तुम्हें कि मैं बड़े पैसे देगा ओ गदनाल चाहिए सानू ते फड़काई दो हम करी दो थोड़े मां प्यो ने तड़प के असल लाई दिया तुस ते अपनी जिंदगी बर्बाद करा दे हो एक दो मिनट दे स्वाद पिछे तुसे अपना शरीर खोखला करी उड़िया अपना नहीं अपने समाज का अपने शहर का कल की जिले तुरी फोटो वायरल होगा ना सोशल मीडिया तेरा भी मैंने सफेद पोशा तेरा असलियत हूं पता लगी नहीं तेरी सलाह जी मैं तेरी वीडियो बनाई है सोशल मीडिया च पाना अजकल पुलिस ही काम करा दी हूं तेरे जे छात्र की ना उनकी फोटो खिंची है और थोड़ी भी खिंचना बैठा नहीं 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 सर सर नहीं नहीं जेल दिया सलाखा तेरा इंतजार कर तेरे जे इले बुरे लोग जेड़े गलती हुई ये गलती है ये अपराध है यू आर अंडर अरेस्ट अंडर एनडीपीएस एक्ट और कड़ी कोला कड़ी सजा तुगी दोगा क्योंकि तू मेरे बच्चे का भविष्य खराब कीता मेरे देश का भविष्य खराब करने की कोशिश की है लेकिन जेड़ी ये अग तू लोगों के घर लाना ना एक दिन इस अग ने तेरा घर भी फूकना समझिया ये तू जो माड़े कर्म कीते ना इस माड़े कर्म का हिसाब देने पौना अपने चेष्टा करो अपने मां प्यो की सेवा का नशा करो ये नशा करना गा इस नशे च के रखे जिंदगी बर्बाद है इस नशे च मैं तेरी मां की बुलाना ठहर हेलो हां जी भैन जी एक मुड़ा ते एक कुड़ी असें पकड़े हैं कृपा करिए आओ हाँ जरा शनाख्त कर लो क्या ये बच्ची थोड़ी है आओ आओ जल्दी पुलिस स्टेशन तेरी ते फोटो वायरल करनी है चलो मारो नहीं मैं प्लीज प्लीज एक मिनट मेरी गल सुनो इसी काउंसलिंग की जरूरत है बच्चे ना समझ होते हैं और ये बड़ी जल्दी गले च आई जाते हैं इस करिए इनकी नादान उम्र है मैं इनकी पहली बार मौका देना इन्हें माफ करना क्योंकि अजय इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है लेकिन यह तो बेशरम इंसान जोड़ा अपने गै बच्चे की फ्यूचर खराब करा दा और उन्दा जे कल थोड़े प्रिंसीपल की पता लगा तो वह तुसे इन्वेस्टिगेट करी उड़े नहीं माफ तो मैं करी उड़ना पर लेकिन एक शर्त है और कौन दिंदा क्योंकि बॉर्डर पार अगे गा असे सील कीते दा और मैं सख्त आर्डर दिते देना है अगर वार्निंग दे बाद भी कोई नहीं रुकता स्मगलर ते शूट एट साइट क्योंकि इहे वाले लोग जेड़े ओ समाज वास्ते वो कलंकन है
अपना तो तू बर्बाद करा ना, तू समाज का भी जेड़ा बेड़ा गर्क करा ना, तेरा देश है नशा करो ते अपनी धरती मां दा करो। सर जी और भी बड़े कुड़ियां मुड़े दे च फस गए, अस थोड़ी मदद करगे। हां सर मदद करगे सच्ची, 8-10 मुड़े और भी हैं ऐसे जाल विच। और एक चीज और है, तुस भी दिख लो सुनी लो, ये ड्रामा जरूर है पर ये ड्रामा कुत्ते तुहाडे घर नहीं हो जाए, इस करी अपने बच्चे का ख्याल रखियो। क्या थोड़ा बच्चा लेट आंदा घर? अजकल तुस मोबाइल की ज्यादा ध्यान दिया दे, अपने बच्चे की ज्यादा ध्यान नहीं दिया दे। बच्चा कला महसूस करा दा है, क्या बच्चे की सोसाइटी गलत है? क्या उसका जेड़ा दोस्त है उसकी उम्र कोला दुगना है? क्या जिले वो घर आंदा है उदे हाव भाव बदले दे होंगे? ये तुहाड़ा फर्ज है। और युवाओं तुस भी सुनो मेरी गल, मैं खरे इतने आना है या नहीं कल, पर मैं तुसें ही पुलिस की तरफ सुनेहा देना चाहना, अपना जीवन बचाई लियो। और जे बनना तो बॉडी बिल्डर बनो, जे बनना तो उले अफसर बनो, जे बनना तो इले काबल लोग बनो। कल की दुनिया थोड़ी इज्जत करे तुसें ही सलाम करे, और जदों तुसे जान छड़ो तो तुसें याद करे, ना कि पुलिस थाने थोड़ी फोटो लगे। अपने माँ प्यो दी अखे के तारे हो तुस लोग, और तुस गए उन्हें खून के अथरू रुआगे ते उनेंगी कौन संभालग बुढ़े बारे। इस करिए लालच नहीं आना, मैं सारे ही मैसेज देना, दो वक्त की रोटी खानी है। इस करिए जे कुली है ते कुली च खुश रहना, इले लालच पिछे क्योंकि तुम लालच नहीं देंगन। तो ये साड़ा पैकेट फड़ाइए जाइए, तुहानू 5000 दिने आ, मोबाइल लई दिने आ, तुहानू मोटरसाइकिल लई दिने आ, पर लालच बुरी बला है मेरे भाईओ, लालच ये बर्बाद कर देगी। इसलिए नशा करना तो अपने देश का करो, इस हरी भरी वादियों को जहरीला मत होने देना, जहरीला मत होने देना, जहरीला मत होने देना। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि ये देसी तरीका है, देसी तरीके से क्या होता है, इंपैक्ट जल्दी पड़ता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने सुना हमारे बीच कुछ मौजूद लोग आए हैं, मैं नाम नहीं जानता, प्लीज कम ऑन दी स्टेज। अब ये स्टेज है जोरदार तालियां के लिए, आप बारी बारी आए कुछ मैसेज दें अपने लोगों को अपनी भाषा में। मेरा नाम काजल राजपूत है। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमारे समाज में इस तरह का संदेश दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। एक बारी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ज़ोरदार तालियां। हमारे SHO साहब जसविंदर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर ये शो ऑर्गेनाइज किया, और हमारी सांबा से आई हुई टीम नुक्कड़ नाटक जो इन्होंने यहाँ पर पेश किया, आप सभी के समस्त उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, और एक बार उनकी परफॉर्मेंस के लिए ज़ोरदार तालियाँ जो इन्होंने पेश किया। देखिए इन्होंने उस नाटक में ना आपको सारी चीज़ें बता दी कि किस तरह से जब हमारे समाज में या हमारे घर से कोई बच्चा अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो क्या सिम्टम्स, किस तरह के बदलाव आपको उस बच्चे में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। आजकल जैसे इन्होंने बताया कि बच्चे, माँ बाप भी और बच्चे आजकल फ़ोन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, फ़ोन पे ध्यान देते हैं, बच्चों को ट्यूशन्स रख देंगे लेकिन खुद उन पर ध्यान कम दे रहे हैं। तो ये माँ बाप की बहुत मैं कहूँगी कि जिम्मेदारी बनती है और एक कमी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल पे डिपेंड कर रहे हैं, ट्यूशन्स पे डिपेंड कर रहे हैं लेकिन खुद उनका ध्यान में जो है वो कमी दे रहे हैं। तो माँ बाप की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और उसके बाद स्कूल में आपका बच्चा जा रहा है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, किस तरह के दोस्त उस बच्चे के हैं, और कैसे समाज में वो बच्चा जो है वो रह रहा है और किस तरह के लोगों के साथ रह रहा है, वो ध्यान देना भी ज़रूरी है। आज इन्होंने जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से जो ड्रग्स एक तरह का नहीं है, ये एक तरह की दवाई है जो अलग अलग तरीकों से हमारे समाज बच्चे करता, ये तो गलत है। तू मिकी दस उनके ऊपर क्या वो पड़ता है, फोन लेके आ खैर इतना भी नहीं थी, थोड़ा बहुत। मैं उसी वार्निंग भी देती, इस साल तो ये करेंगे तो सिंगल सूट का मिकी लपे नहीं उदेश, लेकिन उसी वार्निंग देती कि बच्चा तेरा ना जड़ा है वो आवे करता है, अगर तू कसे चढ़ी है ते पुलिस ते बात चौक पर लेकर तेरा। यहाँ पे आज ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस किया जा रही है। अगर यहाँ पर भी आ जाओ भाई हमसे मिलने आए, तू भी है
ये भी एक आज डाल रहे हैं ना, कितने बजे तक आ जाएगा? 7:30 बजे आ जाएगा। पक्का 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 पक्का।